दानपुण्य से जुड़ा है मकर संक्रांति का त्योहार। जानिए इससे जुड़े तथ्य। भारत में अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक सांस्कृतिक विरासत देखने को मिलती है। भारत में अनगिनत त्योहार मनाए जाते हैं, इसमें से शायद कुछ त्योहार के नाम हम में से कई लोगों ने सुने भी ना हो, लेकिन कुछ त्योहार काफी प्रसिद्ध होते हैं और इन्हीं प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है मकर संक्रांति, जिसके बारे में हर भारतीय जानता है। भारत में हर त्योहार को मनाए जाने के अलग अलग तरीके और रिवाज हैं। भले ही अलग अलग राज्यों में इसके नाम अलग हों और इससे जुड़ी मान्यताएं अलग हों, लेकिन कुछ चीजें इस त्योहार से ऐसे जुड़ी हैं जिन्हें पूरे देश मनाता है। तो चलिए जानते हैं मकर संक्रांति के त्योहार से जुड़ी खास बातें। मकर संक्रांति के दिन लोग स्नान के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति हर साल 14 जनवरी को मनाई जाती है। इस दिन लोग नए चावल से बनी खिचड़ी और तिल से बनी चीज जरूर खाते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार मकर संक्रांति का त्योहार पहली माघ को मनाया जाता है। जो लोग माघ के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दें कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह एक महीने का नाम होता है। मकर संक्रांति फसल से जुड़ा हुआ त्योहार है, जिसे सर्दियां समाप्त होने के साथ मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य दक्षिणायन से मुड़कर उत्तर की ओर रुख करता है। ज्योतिष के अनुसार इस समय सूर्य उत्तरायण बनता है। मकर संक्रांति फसल से जुड़ी त्योहार है और यह भारत के किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। यह त्योहार आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, असम, हरियाणा, गोवा, महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल आदि सभी राज्यों में मनाया जाने वाला त्योहार है। भले ही कई राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता हो, हिंदुओं का मानना है कि सर्दियां बीमारी और संक्रमण लाती हैं और मकर संक्रांति के दिन स्नान के बाद धूप सेकने से बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया से छुटकारा मिलता है। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की प्रथा काफी लंबे समय से चली आ रही है। इसके पीछे कोई धार्मिक महत्व नहीं है, लेकिन सुबह के समय सूर्य की किरणें तेज होती हैं और पतंग उड़ाते समय धूप सेकते हैं। ये थी SN News की रिपोर्ट।